शांति। आज 30/12/2023, 30 दिसंबर 2023, मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। बाबा कौन सा शुभ कार्य कर रहे हैं इस धरा पर आकर? परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा इस धरती को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। अपने भाई बहनों को, जो भी हमारे सिर्फ अपने भाई बहन नहीं, संसार में सभी आत्माओं के प्रति बाबा कहते हैं उनको ठोकर खाने से बचाना है। भू भू करके, जैसे भवरा भू भू करता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं आपको उनको ज्ञान सुनाकर, बाबा के इस ज्ञान की धारणा कराकर आप समान बनाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी की तरह बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूलकर गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। गीता के स्वामी परमात्मा शिव बाबा को भूलकर गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे कृष्ण को उसका स्वामी बता दिया। इसी एक अनर्थ के कारण सभी शिव बाबा से बेमुख हो गए। ये भूल गए कि ये गीता का ज्ञान जब इस धरा पर बहुत सृष्टि पतित हो गई, कलयुग के अंत के समय में निराकार परमात्मा शिव बाबा इस धरा को पावन बनाने के लिए आए और उन्होंने हमें ये गीता का ज्ञान सुनाया, तो उनको भूलकर गीता में किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का। तो बाबा के उस बच्चे का नाम डाल दिया। इसी के कारण सभी शिव बाबा से बेमुख हो गए, भूल गए उनको। भारत कौड़ी तुल बन गया। अब अपने पिता को भूल गए तो भारत कौड़ी तुल बन गया। अब तुम बच्चे शिव बाबा के सम्मुख में सच्ची सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान पावन बन जाते हो। गीत है आज की मुरली से, किसने ये सब खेल रचाया? धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। शिव बाबा जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा, भ्रमरी बन भू भू कर नर्कवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं वो आत्माएं जो कि कलयुगी सृष्टि पर, जिसको बाबा कहते हैं नरकवासी बन गए, दुर्गुणों से भर गए, ऐसी आत्माओं को देवी देवता के संस्कार धारण कराने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। संसार में हर एक आत्मा हमारे भाई बहन है, उसको बचाना है। वरदान है आज की मुरली से, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषता है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक भावना तो समानता की रखनी है, हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्मा अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, विशेष करने वाली। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, प्यार अनुभव हो, यही विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। इस सृष्टि के विनाश से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों का विनाश करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए निराकार स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित प्रकृति के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम। अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई
धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रहे हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा इस सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी को पार करते हुए धीरे धीरे अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश करती, जहाँ मेरे प्यारे पिता ज्योतिबिंदु स्वरूप में विराजमान हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाते जा रही हूँ और मैं उनके किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ। मैं आत्मा उनके अनंत प्रकाश की गोदी में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में भरती जा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में भरकर उनके समान बनकर उनकी गोदी में संपूर्ण विश्राम प्राप्त कर रही हूँ।